हमारे YouTube चैनल माई सी जी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज और उसका एप्लीकेशन देने वाला हूँ, जो CGPSC, CGVAPOM, रेलवे SSC के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो परसेंटेज का टॉपिक लेने वाला हूँ, आज मैं उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करूंगा कि कैसे परसेंटेज को के एप्लीकेशन को आप ट्रिक के सहारे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो CGVAPOM और CGPSC, रेलवे SSC के हर एक एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें हम, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल, आयत मतलब ये आयत होता है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की लेंथ में अगर 10% इंक्रीज किया जाए, लेंथ में इसको लेंथ बोलते हैं जो लंबा होता है साइड, इस साइड को लंबाई को 10% बढ़ाया जाए और ये ब्रेथ को भी 10% बढ़ाया जाए तो ओवरऑल एरिया में कितना इंक्रीज होगा, ये हमको पता करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ये क्वेश्चन, आपको हमेशा इस टाइप के प्रश्न आपको हमेशा ही एग्जाम में दिखाई देता है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, वो ट्रिक मैं अगले पेज में बनाया हूँ। देखिए अब इसका ट्रिक मैंने लिखा है, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100, पी धन क्यू धन पी इंटू क्यू अपॉन 100, ये इसका ट्रिक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देखें कि वृद्धि कही जा रही है, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है इंक्रीज, मैंने लेंथ को 10% बढ़ा दी है। अगर अभी लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो 10% बढ़ाया तो 100 का 10% 10 होता है, तो अब लंबाई 110 हो जाएगा। और उसी तरह से चौड़ाई, अगर चौड़ाई भी मैंने अगर 100 माना तो चौड़ाई में भी 10%, मतलब अब चौड़ाई का वैल्यू 110 होगा, मतलब पहले 100 100 था अब 110 110 है। तो इसके लिए अब सिंपल सा ट्रिक देखिए, ट्रिक है P प्लस Q प्लस पी क्यू बाई 100, यदि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, तो मैंने P प्लस Q, अगर वृद्धि है तो दोनों प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी आया। P देखिए, P को मैंने 10 लिया है, मतलब P लंबाई मान ली है और Q को चौड़ाई मान लिया, तो 10 धन 10 और P इंटू क्यू मतलब दोनों का प्रोडक्ट या गुणा, 10 गुणा 10 और बटे 100, तो बटे 100 लिखा, तो इससे ये भी 10 गुणा 10 100 हो जाता है, तो 100 एकम 100 बटे 100 1 आ जाएगा। यहाँ है 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 हो जाता है 100, तो 100 बटे 100 1 आया। अब इसको सिर्फ जोड़ देना है हमको, 10 धन 10 धन 1, तो ये हो जाएगा 21। तो इसके आयत के क्षेत्रफल में 21% वृद्धि होगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, एक बार मैं ट्रिक फिर से बोल दूं, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा तो अगला प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाए। अब मैंने लंबाई को, आयत मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ में 20% की इंक्रीज किया है, वृद्धि किया है, और चौड़ाई में 30% की इंक्रीज किया है, 30% की, तो आयत के, तो रेक्टेंगल के एरिया में कितना इंक्रीज हो गया या एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो इसका भी सिंपल सा ट्रिक वही होगा, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100, सेम ट्रिक इसका भी है, बट यहाँ पर थोड़ा वैल्यू चेंज है, पी की प्लेस में आपको 20 लिखना होगा, क्यू की प्लेस में 30 लिखना होगा, जैसे वहां 10 10 लिख रहे थे, यहाँ पर हमको 20 प्लस 30, और P के प्लेस में 20 इंटू 30 बाई 100, ये 0 0 कटा तो ऊपर में 2 जा 6 बचा होगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाता है और इसका ट्रिक बहुत ही सरल है। इसको सॉल्व करना 2 मिनट से पहले ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 मिनट भी आपको सॉल्व करने में लगेगा नहीं। सीधा जो वैल्यू दिया है 20 30 दोनों अगर बढ़ रहा है, दोनों भी आप ये देखिए कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, यहाँ पर दोनों में वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपको यही चेक करना है कि लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है कि घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बस यही आप चेक करिए। तो यहाँ पर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐड करिए, 20 प्लस 30 कितना हुआ 50, और दोनों को मल्टीप्लाई करके गुणा करके 100 से भाग करिए, तो 20 और 30 को गुणा करके 100 से भाग करता हूं तो केवल 3 2 6 बचने वाला है, आप ऐड कर दीजिए तो 56, 56% का क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है,
कुछ नहीं करना आपको, बस वृद्धि है तो देखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाए। अब क्वेश्चन अलग है, पहले मैं क्या कर रहा था, दोनों ही पार्ट में इंक्रीज कर रहा था, लेंथ और ब्रेथ को मैं दोनों को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन अभी केस क्या है, लेंथ में तो 10-20% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या है, 10% की कमी हो रहा है। तो क्वेश्चन में बताना है कि आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। यहां तो मैंने क्लियरली लिखा है कि वृद्धि होगा, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा के आएगा, तो आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगा आपको बताना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लंबाई को 20% बढ़ा रहा हूँ और चौड़ाई को 10% कम कर रहा हूँ, कमी कर रहा हूँ। यहाँ इंक्रीज है और यहाँ डिक्रीज है, तो इसका भी फॉर्मूला सेम है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लंबाई अगर वृद्धि होगा तो पॉजिटिव और डिक्रीज होगा तो उस क्वांटिटी को नेगेटिव लिखना है, मतलब यहाँ पर अब दोनों को जोड़ना नहीं है, घटाना है। देखिए कैसे करना है, यहाँ ट्रिक तो वही है, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100। लेकिन मैंने कहा जो क्वांटिटी बढ़ रहा है उसको पॉजिटिव, जो क्वांटिटी घट रहा है उसको नेगेटिव। यहाँ भी वैसे 20 पॉजिटिव था और 10 निगेटिव था और उसको 100 से डिवाइड किया। पहले आप 0 0 काटिए, 1 0 इससे कटा, 1 0 इससे कटा, तो 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ -2 आया और ये भी -10 है और ये +20 है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8%। बस आपको ये देखना है कि वृद्धि हो रहा है कि घट रहा है, बस यही आपको चेक करना है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार आपको क्या करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्वांटिटी पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसा क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में दिखाई देता है। आप चुका है सीजी व्यापम का कोई सा भी एग्जाम, या फिर आप कहीं कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम में अगर मैथ्स है तो परसेंट के एप्लीकेशन आएंगे और परसेंट के एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। मैं इसके और भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें अलग अलग एप्लीकेशन ही दिखाई देगा। तो इसका सिर्फ यही ट्रिक है, अगर फिगर 2D फिगर है तो 2D फिगर में दो साइड, कम से कम दो साइड या दो वैल्यू मिलेगा, उस दो वैल्यू में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ये लाइक करिएगा। अगर आप ये वीडियो लाइक करोगे तो मुझे एक पॉजिटिवली पावर मिलेगा, जिससे मैं ये वीडियो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊं। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम सीजी पीएससी में आ चुका है। यदि आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाए और चौड़ाई में 50% की कमी की जाए तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना वृद्धि या कमी होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। देखिए अब इस क्वेश्चन को ये कई बार आया है, आप कोई 50% के प्लेस में 40-40 कर देता है, 60% 60% कर देता है, और यहाँ पूछता है कि ओवरऑल क्षेत्रफल बढ़ेगा कि कम होगा। तो क्वेश्चन एक बार और देखिए कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 50% बढ़ाया गया है और ब्रेथ को 50% कम किया गया है, तो उसके एरिया में बढ़ेगा या कम होगा, ये आपको चेक करना है। ऑप्शन इस प्रकार होते हैं कि 25% बढ़ जाएगा, 25% कम हो जाएगा, ऑप्शन 3 ये रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन 4 ऐसा आता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, कि हम उसको पता नहीं लगा सकते कि कम होगा कि बढ़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन भी वही होगा, जहां बढ़ रहा है उसको 50+50, जहां कम हो रहा है उसको -50, और उसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ मैंने किया है पी प्लस क्यू इंटू पी क्यू बाई 100 की ट्रिक आप रट डालिए, तो इसमें मैंने एड सॉल्व किया है +50 -50 और 50 × 50/100, सेम फॉर्मूला। बस पॉजिटिव निगेटिव आप याद रखिएगा कि कहाँ बढ़ रहा है और कहाँ घट रहा है, जहां बढ़ रहा है वहां +50 है, जहां घट रहा है वहां -50, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। तो ये +50 और -50 तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 5 × 5, मतलब 50 × 50 तो 2500 हो जाएगा, 2 0 भी कट जाएंगे तो -25। कभी भी आंसर इसको सॉल्व करने के बाद अगर +25 आता है तो वृद्धि होगा, और -25 आया मतलब 25% की कमी। -25 तो मतलब ये नहीं है कि आंसर में आपको -25 दिखाई दे, अगर सॉल्व इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व करने के बाद प्लस में आंसर आ रहा है मतलब बढ़ेगा, और माइनस में आंसर आएगा मतलब उसमें कमी आएगा, मतलब 25% की क्या हो जाएगा, ओवरऑल कमी होगा। अब याद रखिएगा, अगर प्लस साइन आ रहा है तो इंक्रीज बताएगा, वृद्धि बताता है, और अगर माइनस में आंसर आ रहा है इसका मतलब कमी बताएगा, मतलब हमारे क्षेत्रफल में 25% की कमी होगी। बस अब यही याद रखिएगा कि आंसर प्लस में आ रहा है कि माइनस, प्लस बताएगा इंक्रीज और माइनस बताएगा डिक्रीज, तो टोटल आंसर में क्या हो जाएगा, 25% की कमी होगा, मतलब इस क्षेत्रफल में कितना आया, 25% की कमी। अगला क्वेश्चन है,
एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए, वर्ग जिसको अपन स्क्वायर बोलते हैं, ये स्क्वायर होता है, इसके साइड में 10% की वृद्धि की जाए तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि होगा। ये क्वेश्चन भी आपको जनरली दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसका वर्ग का या स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, भुजा गुणित भुजा। तो आपके पास वहां पर लेंथ और ब्रेथ हुआ करता है, यहाँ पर केवल साइड है, दो साइड, ये इसको एक साइड और ये दूसरा साइड, या कोई भी दो साइड का गुणा करना है, तो इसका भी सेम ट्रिक होगा, पी प्लस क्यू इंटू 100। यहाँ पर आपको बस पी और क्यू को 10 10 ले लेना है, क्योंकि वहां पर लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग था, यहाँ पर दोनों एक ही भुजा से लेंगे हम, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100। तो पी के प्लेस में 10, क्यू के प्लस में 10, दोनों बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, तो P इंटू क्यू 10 इंटू 10 अपॉन 100, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो उसको सॉल्व करने से आंसर सिंपल सा 21% आया है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो या स्क्वायर हो, कोई भी 2D फिगर को आपको एरिया में, साइड्स में या रेडियस में, अगर सर्कल होगा तो रेडियस में इंक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला लिखना है, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100, और वैल्यूज पुट करना है जो इंक्रीजमेंट है, और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है इसका, ट्रिक के साथ ही आप करिए एग्जाम में, तो आपका 2 मिनट से पहले 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप इसके लॉन्ग मेथड भी है उसको उससे सॉल्व करते हैं तो आंसर थोड़ा लेंदी होता है, बड़ा आता है, और ये भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए, ये आप करिए, इससे आपका आंसर 100% सही आएगा। बहुत ही सरल सा फॉर्मूला है, पी प्लस क्यू पी क्यू बाई 100। आपको ये देखना है कि पॉजिटिव जो भुजा में या फिर लेंथ में लंबाई हो बढ़ रहा है या घट रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी आ रहा है, बहुत सरल सा फॉर्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग की भुजा में 10% की कमी की जाए, अब मैंने क्या कर रहा हूँ, वो 10% की कमी कर रहा हूँ, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा, कुछ उसके एरिया में, उस स्क्वायर के एरिया में कितना परसेंट कम हो जाएगा। 10% क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। पहले अगर अभी 100%, 100 सेंटीमीटर की लंबाई है तो मैं 10% कम कर रहा हूँ, मतलब 10 कम कर देता हूँ, 100 का 10% 100 10 होता है तो 90 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका भी सेम ट्रिक है, अब इसमें दोनों क्वांटिटी निगेटिव पर ले लेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा नहीं है, इसका भी सिंपल से फॉर्मूला वही होगा, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100। तो पी इस बार क्या हो जाएगा, -10, पी क्या होगा, -10, क्यू क्या होगा, वो भी -10 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर उनको मल्टीप्लाई भी अपन करेंगे, P इंटू क्यू अपॉन 100, P कितना है, -10, Q कितना है, -10, तो -10 और -10 जोड़ के क्या हो जाएगा, -20, क्योंकि पहले पहले P और Q ऐड होगा तो दोनों नेगेटिव क्वांटिटी, तो वो ऐड हो जाएगा, प्लस -10 -10 -20, और P इंटू क्यू करूंगा -10 इंटू -10 तो वो +100 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो +100 बाई 100 तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ इस अभी पी और क्यू को जोड़ने से -20 हो गया है और +1, तो -20 और +1 को सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा, -19, -19 आएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी निगेटिव आएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, डिक्रीज, तो उसमें 19% का कमी होगा। आप इसको बनाइएगा, बहुत ही सरल तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर पी भी निगेटिव और क्यू दोनों निगेटिव होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि सर्कल की त्रिज्या में, मतलब ये सर्कल होता है और ये त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब होता है रेडियस, यदि सर्कल की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल कितना वृद्धि होगा। तो यहाँ पर सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आप उस फॉर्मूले से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको 2 मिनट 1 मिनट से पहले आप सॉल्व कर सकते हैं, वही फॉर्मूला है, 10% त्रिज्या में बढ़ रहा है, मतलब 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10 बाई 100, वही पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू बाई 100 फॉर्मूले से आपको सॉल्व करिएगा कि इसके एरिया में कितना ओवरऑल चेंज आएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो उसका भी सेम फॉर्मूला है, पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू बाई 100, 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, ये कट के 1 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करो से आपका 21% आ जाएगा। सोचिए कि क्वेश्चन इतना इजी था, जब मैंने भी फर्स्ट टाइम व्यापम का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन मेरे से भी नहीं बना था। तो मैंने घर में आया और देखा तो मुझे भी समझ नहीं आया, तो फिर मैंने एक बुक बुक देखा तो मेरे सर ने मुझे बताया कि ऐसे ट्रिक होते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तब मैं भी सरप्राइज था कि ये इतने इजी तरीके से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैंने वहां एग्जामिनेशन हॉल में बहुत दिमाग लगाया था और मेरे से भी नहीं बना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको इसका केवल ट्रिक याद रखना है, केवल ट्रिक,
पी प्लस क्यू अपॉन 100। बहुत ही सरल ट्रिक है। अब कोई भी 2D फिगर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो सर्किल हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने ट्राइंगल के लिए लास्ट क्वेश्चन बनाया है, ये भी वैसा ही है। यदि त्रिभुज की आधार में 10%, आधार का मतलब बेस होता है ट्राइंगल, क्योंकि तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई जो नीले कलर में आपको दिख रहा है, और ये इसका क्या है, बेस है। तो त्रिभुज की आधार में 10% की इंक्रीज और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए, दोनों मैंने बढ़ाया तो बढ़ा रहा हूँ 10-10%, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप इसको तुलना करके देखिए, दिमाग में करिए, आसानी से बन जाएगा 10% वृद्धि और ऊंचाई में 10%। अगर 2D फिगर है तो उसमें दो डायमेंशन ही होगा, दो डायमेंशन में आपको दो वैल्यू मिलेगा। जैसे स्क्वायर में तो एक ही मिला था, लेकिन उसको अपन दो बार कर लेंगे। ट्राइंग सर्कल में क्या हुआ था, एक ही वैल्यू मिला था 10%, उसको भी दो बार लिख लेंगे। डायमेंशन दो होगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, आर इन टू आर हो गया। वैसे जरा स्क्वायर में भी साइड स्क्वायर वर्ग का भुजा का वर्ग होता है, तो दो बार लिखना है, इसलिए इसको दो बार लिखना है। बस याद रखिएगा कि 10 × 10 इसको भी करना है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, यदि त्रिभुज की आधार में 10% की वृद्धि और ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो, तो आंसर में से क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट में करिए कि क्या आंसर आया आपका, तो इसको आंसर जल्दी से करिए। 10 + 10 + 10 × 10/100, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वेरी इजी से आंसर आएगा 10 × 10, 10 × 10 और 10 × 10/100, तो ये 100/100 हो गया होगा। अब इसको ऐड कर लिए तो 21%, बहुत ही आसान से। अब आपसे तो इस सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, मैं और भी परसेंटेज में जरूर, ये कई फॉर्मूला नहीं है, परसेंटेज में बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो मैं धीरे धीरे करके सारे ट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।